लगातार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ सभी अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। वो जमाना गया जब भोजपुरिया हीरो मोटे थुलथुले पेट वाले हुआ करते थे और जिन्हें अपने फिटनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब हीरो अपने फिटनेस का ध्यान भी रखते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि आप फिट रहिए। तो क्या आप जानना नहीं चाहते कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस वक्त किसकी नंबर वन बॉडी है? जी हाँ, जिम तो सभी जाते हैं, लेकिन अपने बॉडी को किस हिसाब से मेंटेन करना है ये सभी को नहीं आता है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कौन है सबसे सुपर डुपर हिट बॉडी वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेसारी लाल यादव से। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की पहले की पिक्चर्स देखेंगे और अब की पिक्चर्स देखेंगे तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। पहले वो पतले से थे, दुबले से थे, लगता ही नहीं था कि वो हीरो हैं। आज क्या उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है? वो रेगुलर जिम जाते हैं, मुंबई में रहते हैं तो वो रेगुलर जाते हैं। अगर वो मुंबई में नहीं हैं, आउट ऑफ मुंबई हैं, तो अपना जिम किट अपने साथ रखते हैं। जिम करना वो बिल्कुल नहीं भूलते। जो कि उनका ट्रेनर जिस तरह से कहता है वो उसी तरह से खाना खाते हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन सिर्फ अपनी वेल टोन बॉडी के कारण ही खेसारी लाल वो कुछ नहीं खा पाते जो कि उन्हें बहुत पसंद है। और अब बढ़ते हैं पवन सिंह की तरफ। कहा जाता है कि अगर जिम की दीवानगी देखनी है तो आपको पवन सिंह के पास जाना चाहिए। वो अपने जिम को करना बिल्कुल नहीं भूलते। इवन अपने फिल्मी सेट पर भी वो अपना जिम किट कैरी करते हैं। जैसे ही उन्हें शॉर्ट फ्री होने के बाद टाइम मिलता है वो तुरंत जिम करते हैं और जिस तरह से उनका ट्रेनर सजेस्ट करता है वो उसी तरह से खाते हैं, पीते हैं और उसी तरह से अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं। वैसे आप भोजपुरिया फिल्मों के हीरोज़ की पहले की फ़ोटोज़ और अब की देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे भोजपुरिया स्टार्स ने कितनी मेहनत की है अपने बॉडी पर। और अब बढ़ते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ। तो आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ फिट है। वो योगा में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिम थोड़ा कम करते हैं, लेकिन करते हैं। वो जिम के प्रति इतने पैशनेट नहीं हैं जितने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह हैं। अब बात हो जाए भोजपुरिया हीरोइनों की, तो भाई कमाल कर दिया है इसमें रानी चटर्जी ने। रानी चटर्जी पहले काफ़ी मोटी हुआ करती थी। हर कोई जो भी उन्हें देखता था यही सजेस्ट करता था, भाई वजन तो कम कर लो। लेकिन अब रानी चटर्जी ने जो मेकओवर किया है कि लोग दंग हो जा रहे हैं उन्हें देख के। साथ ही यही हाल आम्रपाली दुबे का भी है। आम्रपाली दुबे भी पहले काफ़ी मोटी हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने घंटों जिम में पसीना बहाकर अपनी एक शेप में बॉडी पाई है और अब वो काफ़ी पतली नज़र आती हैं और काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आती हैं। वैसे फिट रहना बहुत ही अच्छी बात है जो कि अब हमारे भोजपुरिया स्टार्स समझ चुके हैं और साथ ही साथ वो अपने फैंस को भी अपील करते हैं कि वो फिट रहें। इसलिए आजकल की जनरेशन भी अपने स्टार्स की बातें मानना नहीं भूलती। वैसे आपको ही डिसाइड करना है कि बॉडी के मामले में कौन है नंबर वन, क्योंकि आपने देखा हमारे इस रिपोर्ट में सभी अपने आप को फिट रखने के लिए जिम में जाते हैं और जैसा भी हो वैसे वक्त निकाल कर जिम करके अपनी बॉडी को शेप में रखते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।